हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग पे जिस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, जो बहुत ही फास्ट ग्रो हुआ है लास्ट 8-10 साल में, जिसका नाम है PMS, विच इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। बहुत ही एक नॉर्मल क्वेश्चन और बहुत ही कंसिस्टेंटली वी गेट दिस क्वेश्चन, स्पेशली फ्रॉम HNIs की हमें PMS में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, PMS सही है क्या। जब मैंने AIF का एक वीडियो बनाया था, व्हाट इज़ AIF, और उसका डिटेल बहुत डिटेल वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी डाल देता हूँ मैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उसमें भी PMS की कुछ बात हुई थी और मेरा प्लान था कि AIF वर्सेस PMS वर्सेस म्यूचुअल फंड एक वीडियो बनाऊँ, बट मैंने कहा कि यार वो बनाने से पहले समझे तो PMS क्या होता है पहले, है ना। तो वो हमने वीडियो पहले बनाया नहीं है, तो आई थॉट कि मैं भी समझूंगा जब मैं रिसर्च करूंगा और आपको भी उसको शेयर करूंगा कि व्हाट इज़ PMS और वो कैसे वर्क करता है और वो किसके लिए सही है और है भी या नहीं। तो इस वीडियो में आपको PMS के बारे में तो पता चलेगा, PMS और म्यूचुअल फंड को मैं थोड़ा सा डिटेल में कंपेयर भी करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक investjitendra.in वेबसाइट और हमारा फंडोमीटर म्यूचुअल फंड का जो प्रोडक्ट है सब्सक्रिप्शन वाला, तो वो अगर चेक नहीं किया तो ज़रूर चेक कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है एटलीस्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री परस्पेक्टिव, ठीक है। तो PMS बेसिकली आपको ये समझना है कि इट्स समथिंग लाइक अ म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट एज वेल ओनली, ठीक है। तो इसमें एक तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का गेम है कि ये एक बूटीक इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फॉर HNIs, जो कि जिसमें रेगुलेशन इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट, मतलब PMS खोलना इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज म्यूचुअल फंड हाउस खोलना, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड हाउस इज फॉर, मतलब सेबी का थॉट सिंपल ये है कि म्यूचुअल फंड इज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, एंड PMS इज फॉर HNIs, एंड मे बी AIFs इज फॉर अल्ट्रा HNIs, या फिर मतलब और अल्ट्रा HNIs मान के चलो आप, ठीक है। तो वो एक उनका थोड़ा सा बस सेबी के थॉट प्रोसेस से हम सही कि वो वैसा उन्होंने उसको पार्क किया हो, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो ए पूल्ड, मतलब ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में सब पैसा इकट्ठा होता है, उनके अकाउंट में आता है म्यूचुअल फंड हाउस के, और फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। PMS में ऐसा नहीं होता, PMS में आपके ही अकाउंट में पैसा रहता है, आपके ही डीमैट अकाउंट से वो इन्वेस्टिंग होती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आपके डीमैट अकाउंट से नहीं हो रही ना, म्यूचुअल फंड तो अलग ही अकाउंट है, आप उनको पैसा दे रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये पूल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है PMS, ये एक इंडिविजुअल आपका डीमैट अकाउंट आप खोलते हैं PMS कंपनी के साथ, एंड देन दे बेसिकली इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ, ठीक है। तो ये एक चीज़ समझने वाली बहुत ज़रूरी है, ठीक है। PMS भी इन्वेस्ट जो करते हैं वो स्टॉक्स में करते हैं, लिस्टेड स्टॉक्स में, लिस्टेड बॉन्ड्स में, लिस्टेड ETFs में, इवन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो, बट डायरेक्ट प्लान्स में ओनली, ठीक है। REITs में भी कर सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इनका मेजर है, उनको अलाउड है इवन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में भी, बट वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। बट मोस्टली PMS अगर आप देखेंगे तो मोस्टली दे आर इन द, मतलब अपना नॉर्मल जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो वैसा ही है कि लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड बॉन्ड्स, लिस्टेड ETFs, इनमें ही PMS कंपनीज बेसिकली इन्वेस्ट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हाउ इट इज़। तो आपको मेजर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है। तो PMS में सबसे मेजर जो डिफरेंस है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपीज़ की होती है। तो अगर आपको PMS में इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम 50 लाख रुपये का चेक तो देना है उनको, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पहले 25 लाख था आई थिंक 2020 तक, और फिर उसको रेज किया 50 लाख तक। लॉक इन पीरियड वगैरह कोई चक्कर नहीं है लॉक इन पीरियड का, हाँ, बट एग्जिट लोड्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। वो तो इवन म्यूचुअल फंड्स में भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है, तो वहाँ पर भी है, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि सिंस 50 लाख रुपीज़ है तो आपको उतना तो हमेशा मेंटेन करना है, ठीक है। तो मान लो मार्केट गिर गया 50 लाख से नीचे आ गया तो आपको टॉपअप करना है, हाँ ऊपर ज़्यादा हो गया आपका 50 से 70 लाख हो गया सपोज, तो आप पार्सल विड्रॉल कर सकते हैं, बट 50 लाख हमेशा मेंटेन करना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कैसे होता है, जैसे मैंने बोला कि डीमैट, आपके ही डीमैट अकाउंट में अगर PMS खोल रहा हूँ, गौरव जैन PMS खोल रहा है, तो मेरे को डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा जिस भी PMS, सपोज मैं किसी एक पर्टिकुलर PMS कंपनी के साथ PMS खोल रहा हूँ या मतलब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो दे विल टेल मी कि इस डीमैट अकाउंट का अकाउंट खोलो, एंड देन दे विल बेसिकली बाय एंड सेल फ्रॉम दैट। तो मोस्टली आपको एक सेपरेट डीमैट अकाउंट उनको खोल के देना पड़ता है, एंड देन दे बेसिकली डू इन्वेस्टमेंट्स इन इट, ठीक है। अब PMS के भी टाइप्स होते हैं, तो एक तो एक्टिव और पैसिव PMS रहता है, सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स, कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब फंड मैनेजर इज इन्वॉल्व और बाय एंड सेलिंग एक एक्टिवली हो रही है, और पैसिव वो मोस्टली ETF टाइप का, मतलब एक इंडेक्स फॉलो हो रहा है, तो वो तो होते ही हैं।
मेजर जो अदर डिफरेंस, मतलब वो तो समझ गए आप राइट, एक्टिव और पैसिव पीएमएस, तो मोस्टली तो एक्टिव ही रहते हैं पीएमएसएस, दे आर वेरी फ्यू पैसिव पीएमएसएस, तो मोस्टली एक्टिव पीएमएसएस ही आप करते हैं, क्योंकि पैसिव पीएमएस का कोई मतलब नहीं, आप म्यूचुअल फंड में है ही ना वो ऑप्शन, तो पैसिव पीएमएस क्यों करेगा कोई इन्वेस्ट राइट. तो बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज. तो मेजर जो डिफरेंस है वो दूसरा है, दैट इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस. ये जरूर समझिए इसका क्या डिफरेंस है. तो बेसिकली क्या है, डिस्क्रिशनरी पीएमएस इज बेसिकली कि आपने एक पोर्टफोलियो, मतलब पीएमएस फंड मैनेजर, तो मैं एक एक्स सपोज मैं फंड मैनेजर, यज्ञ एक सपोज पीएमएस है, एग्जाम्पल वी आर नॉट वैसे बट सपोज वी आर, तो यज्ञ ने एक पीएमएस खोला, जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, तो सपोज हमने एक पीएमएस खोला जिसका नाम है वैल्यू पीएमएस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, यज्ञ वैल्यू पीएमएस है. तो अब मैंने वो उसमें बाइंग, मतलब मैं एक पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहा हूँ, और आपको वो पोर्टफोलियो अच्छा लगा, आपने कहा या गौरव ये पीएमएस मुझे अच्छा लगता है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, सब अच्छा है, तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है. तो अब ये है डिस्क्रिशनरी पीएमएस, ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है विच आई एम मैनेजिंग, आपने उसको एक तरह से सब्सक्राइब किया है, उसमें चेंजेस होंगे तो आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस होंगे एज इज. मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि चेंज करूं या नहीं करूं, है ना. मान लो उसमें मैंने कोई कंपनी बेची, तो आपके भी, आपके डीमैट से भी वो कंपनी बेच दूंगा, मैंने वहां कुछ खरीदा तो आपकी डीमैट से भी, और जो जो लोग उस पर सब्सक्राइब्ड हैं उस पीएमएस पे, तो सभी लोग वो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही वो फॉलो करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पीएमएस. ये मोस्टली कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, क्योंकि पीएमएस कंपनीज के लिए ईजी है ना वो मैनेज करना, कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है और आप सब उसको सब्सक्राइब्ड हो, और जैसे जैसे चेंजेस उसमें होंगे आप करेंगे, ठीक है. इसमें आपका क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, वहाँ जो चेंजेस है वो तो फंड मैनेजर जो करेगा वो करेगा. म्यूचुअल फंड टाइप्स, म्यूचुअल फंड में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, आपसे थोड़ी ना पूछा जा रहा है कि ये स्टॉक बेचूं या बाय करूं, कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है. सिमिलर टू दैट डिस्क्रिशनरी पीएमएस इज मोर क्लोजर टू म्यूचुअल फंड, ठीक है. तो कोई अथॉरिटी नहीं है आपकी एज सच कोई पोर्टफोलियो पे, आप कर तो सकते हैं चेंज, आपका डीमैट है कर आप सकते हैं, ठीक है. म्यूचुअल फंड में तो आप कर ही नहीं सकते ना, यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर उसने बाय किया, आपने कहा नहीं मुझे नहीं बाय करना, ये क्योंकि यार मैंने सेल कर दिया, कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेस चीज़ें तो होती हैं उस टाइप पर डिस्क्रिशनरी पीएमएस. बट देर इज अ नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस एज वेल. तो बेसिकली दीज आर जिसमें पूछा जाता है क्लाइंट से कि मैं ये बाय कर रहा हूँ, इट्स ओके फॉर यू, कहेगा यस देन यू बाय इट. मैं ये सेल कर रहा हूँ, इट्स ओके फॉर यू, यस. तो वो एक क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट इज हायर, ठीक है, एंड आपकी ज़्यादा अथॉरिटी रहती है पोर्टफोलियो पे, आप सब चीज़ों पे यस और नो करते हैं, ठीक है, तो सजेशन होता है, तो मतलब उसमें थोड़ा डिस्कशन भी हो सकता है. तो वो नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस है, ऑब्वियसली लेस कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि जो पीएमएस फंड मैनेजर है उसको हर चीज़ पूछनी है आपसे ना, और फिर ऑपरेशनल, तो ऑपरेशनली इट्स मोर कॉस्ट, आपको ज़्यादा लगता है मोस्टली, इट्स हायर कॉस्ट एज वेल. तो इस तरह से रहता है. बट नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस में ये बेनिफिट है कि सेबी के हिसाब से आप मतलब अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलाउड होता है नॉन डिस्क्रिशनरी में, क्योंकि क्लाइंट से पूछा जा रहा है. बट डिस्क्रिशनरी पीएमएसएस में अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है. तो ये मेजरली डिफरेंस है नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी पीएमएस, तो ये इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है. तो वो चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पीएमएस अभी करंटली देर आर ऑलमोस्ट 344 पीएमएसएस. म्यूचुअल फंड कितने हैं, अराउंड 43-44 म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, बट पी एम एस जो रजिस्टर्ड हैं कंपनीज वो 344 हैं. एज आई सेड कि पी एम एस बनना ईजियर है रजिस्टर करना विद सेबी एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड हाउस, तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है. दे हैव ऑलमोस्ट 1.4 लाख क्लाइंट्स, एंड आई एम श्योर म्यूचुअल फंड हैज़ मोर देन अराउंड 7-8 लाख क्लाइंट्स, ठीक है. एंड बट एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है. ऑलमोस्ट 28 लाख करोड़ रुपीज़ आर मैनेज बाई पी एम एस एस करेंटली. म्यूचुअल फंड करेंटली हैव अराउंड 40 लाख करोड़, तो नॉट टू मच ऑफ अ डिफरेंस. मतलब मेरे को लगा था बहुत डिफरेंस होगा, बट काफ़ी ज़्यादा है. 28 लाख करोड़ रुपीज़ आर मैनेज बाय पीएमएस, जिसमें से ऑब्वियसली डिस्क्रिशनरी ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली पीएमएस हाउसेज गो फॉर दैट. तो 28 में से ऑलमोस्ट 23 लाख करोड़ इज डिस्क्रिशनरी, एंड 2-2.5 लाख करोड़ इज नॉट डिस्क्रिशनरी. तो नॉट मच, नॉन डिस्क्रिशनरी इज नॉट मच, ठीक है. नाउ दिस चार्ट बेसिकली यू कैन सी कि हाउ द पीएमएस हैज़ ग्रोन. तो 30% कैगर है लास्ट 10-12 ईयर्स का, ठीक है. तो इट हैज़, दिस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन वेरी वेरी फास्ट, ठीक है. नंबर ऑफ प्लेयर्स आप देखते हो, 344 प्लेयर्स, बहुत सारे पीएमएसएस हैव लॉन्च, तो बहुत फास्ट इसका ग्रोथ रहा है, ठीक है. एंड दैट इट हैज़ रीच 26 लाख करोड़ रुपीज़. तो बहुत फास्ट ये कम वो ग्रो रही है.
तो सबसे बड़ा पीएमएस कौन है इंडिया में, वो है आस्क इंडिया का, आस्क इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप पीएमएस, जिसका 17,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हम म्यूचुअल फंड हाउसेज का देखें, वहाँ पर 40-40, 50-50 हज़ार करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड है, मतलब 17,000 करोड़ का विद मिनिमम 50 लाख का, तो वो आप समझना है, तो नंबर ऑफ पीपल भी लेस है वो, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा है, सेकंड इज मोतीलाल ओसवाल, फिर वाइट ओक के मास्टर्स कंसिस्टेंट कंपाउंडर ऑल्सो हैज अराउंड 6,000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब डिस्क्रिशनरी पीएमएसएस हैं जो एज इज फॉलो करा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब पीएमएसएस बेसिकली टॉप 10 आपको जस्ट लिस्ट आपको बताना चाह रहा था। तो फीस कैसे चार्ज होती है, तो पीएम म्यूचुअल फंड हाउसेज का तो एक्सपेंस रेशियो सिस्टम है, एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपका सिंपल एक्सपेंस रेशियो टोटल एक्सपेंस, एग्जिट लोड लगा सकते हैं वो, है ना। तो ये दो टाइप की फीस है, एक TER बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो, एंड एग्जिट लोड, जो म्यूचुअल फंड हाउस का अलाउड है। पीएमएस को थोड़ा ज्यादा है, तो मोस्टली एक्सपेंस रेशियो इन पीएमएसएस आर लिटिल मोर, मोस्टली अगेन एज लाइक, तो एक तो एंट्री लोड भी अलाउड है उनको, तो आप जब एंटर कर रहे हैं तब भी वो कुछ पैसा आपको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट फीस जो कि एक तरह से टोटल एक्सपेंस रेशियो जैसे म्यूचुअल फंड का है, तो वो मिनिमम मोस्टली 1-3% के बीच में वैरी करती है। इसमें कुछ कैप्स भी नहीं है, जैसे सेबी की म्यूचुअल फंड में तो कैप्स है ना, 2.25% से ज़्यादा नहीं कर सकते, यहाँ कोई कैप नहीं है, तो 1-3% तक आप मोस्टली वेरी करते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, एज सच कोई कैप नहीं है सेबी की तरफ से। फिर एक प्रॉफिट शेयरिंग फीस भी चार्ज कर सकता है पीएमएस, तो दे कैन से कि भाई इतना मान लो 10% रिटर्न आ गया, अब इसके ऊपर आया तो इसमें से मेरा इतना परसेंट शेयर, ठीक है। म्यूचुअल फंड हाउस डजंट हैव दैट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड हाउस आपसे प्रॉफिट शेयरिंग फीस नहीं कर सकता, बट पीएमएस कैन चार्ज प्रॉफिट शेयरिंग फीस एज वेल। तो वो आपसे बोल सकता है कि सपोज आपने बोला कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उनको कह सकते हैं कि अगर सर 10% से ज़्यादा आपका आया तो मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग देनी पड़ेगी मुझे, तो वो भी ऑप्शन है उनके पास, तो चेक करें अगर आप कर रहे हैं तो। और एग्जिट लोड सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, वहाँ पर भी एग्जिट लोड है, ठीक है। मतलब मोस्टली टिपिकली म्यूचुअल फंड के 1-2 साल का एग्जिट लोड लगाते हैं, 1-2 साल से पहले आपने पैसा निकाला तो ये रहता है। टैक्सेशन तो काफ़ी, मतलब क्योंकि डीमैट में ही हैं आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स या जो भी चीज़ वो बाय कर रहे हैं, REITs बॉन्ड्स, तो वो आपके डीमैट के थ्रू ही कर रहे हैं, तो वो तो जो भी जिस जो एसेट क्लास में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, ज़्यादा बाय सेलिंग चल रही है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो कम देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और वो सिंपल मतलब अपना जो भी आपके डीमैट में बाय और सेलिंग हो रही है जिस भी एसेट की, अगर ETF बॉन्ड ETF की हो रही है तो बॉन्ड के हिसाब से टैक्सेशन होगा, ठीक है। और म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर की हो रही है तो उसके हिसाब से, तो वो एक सिंपल, उसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो भी आपके एसेट क्लास है तो आप अपनी कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकालो अपने डीमैट अकाउंट से और उसके हिसाब से वो होगा, ठीक है। तो अब परफॉर्मेंस कैसा है, राइट, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मेरे पास मतलब एक मिंट लाइव मिंट वालों ने एक बहुत ही अच्छा इसका इन्फोग्राफिक बनाया था, तो आई एम शेयरिंग दैट विद यू नाउ हियर, ठीक है। तो बेसिकली पीएमएस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स उन्होंने समझाया था कि डिफरेंस क्या है, एंड देन दे क्रिएटेड। अब पीएमएस में ना ऐसी कैटेगरीज नहीं होती हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड में तो क्लियर कैटेगरीज है ना, लार्ज कैप का ये है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, क्लियर डेफिनेशन है कि लार्ज कैप वालों को इतना ही ऐसे इन्वेस्ट करना है। पीएमएस में सेबी की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, आप लार्ज कैप बोल रहे हैं बट उसमें भी थोड़ा स्मॉल मिड कैप ले लिया तो कोई कुछ कहेगा नहीं आपको, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, तो एक लूज कैटेगरी है ऑब्वियसली म्यूचुअल, मतलब पीएमएस गाइस टेल्स कि ये मेरा स्मॉल कैप पीएमएस है, बट देन दे हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, स्मॉल कैप बोल के भी थोड़ा बहुत मिड कैप ले लिया तो कोई कुछ कहेगा नहीं है, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड में नहीं है, तो इसलिए कैटेगरीज एज सच तो बहुत ही वो नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि अगर हम कंपेरिजन देखें, ठीक है, डिफरेंस इन रिटर्न्स, ठीक है, तो आपको लगेगा कि मतलब पीएमएस क्यों करें इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मतलब पीएमएस में अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर में निफ्टी इंडेक्स हैज डन बेटर, 3 ईयर लार्ज कैप में, 3 ईयर में भी इंडेक्स हैज डन बेटर, बोथ 5 ईयर में भी, मिड कैप में भी मतलब पीएमएस हैव डन बेटर इन 3 ईयर, बट ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रॉम म्यूचुअल फंड परस्पेक्टिव कि आपको 50 लाख का इन्वेस्टमेंट भी करना है, ठीक है। फिर एक्सपेंस रेशियो भी मोस्टली एज आई सेड ज़्यादा रहते हैं, तो वो सब करने के लिए अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप में ही मेजर थोड़ा सा अल्फा क्रिएट हुआ है, अगर हम एवरेज देखें इन 1-3 ईयर्स फ्रॉम पीएमएस परस्पेक्टिव, ठीक है। बाकी किसी भी कैटेगरी में पीएमएस ने एज सच कुछ क्रिएट ग्रेट अल्फा क्रिएट नहीं किया है विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड, विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, ठीक है। तो ये डेटा देख के लगता है कि क्यों ही ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना, मतलब क्यों है करना है ये, तो वो चीज़ आपको हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ओवरऑल डिफरेंस अगर देखेंगे तो एज आई सेड कि म्यूचुअल फंड में तो 100 रुपये में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीएमएस में 50 लाख में,
ठीक है पीएमएस में, लेकिन कस्टमाइज नॉन डिस्क्रिशनरी में आपके लिए कस्टम पोर्टफोलियो भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कोई कस्टमाइजेशन का चक्कर नहीं है, ठीक है। हाँ, पीएमएस में ये बेनिफिट है कि ओनरशिप आपके डायरेक्ट डीमैट अकाउंट में हो रही है, म्यूचुअल फंड में तो पूल्ड है, तो आपको एक यूनिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। मेजर डिफरेंस जो सबसे बड़ा एडवांटेज बोल सकते हैं पीएमएस का, वो है कॉन्सेंट्रेशन। पीएमएस टिपिकली इन्वेस्ट इन 15-20 स्टॉक्स, एक पीएमएस स्टॉक्स वाइज अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड का टिपिकली 30-40 स्टॉक्स का एक फंड रहते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन इन म्यूचुअल फंड इज मोर, क्योंकि ऑब्वियसली एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ज्यादा है और रिस्ट्रिक्शन भी ज्यादा है, रेगुलेशन भी ज्यादा है, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है म्यूचुअल फंड्स में, तो इसीलिए कई मतलब लोग ये बोलते हैं कि यार पीएमएस में डालो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा है तो अच्छा खासा अल्फा क्रिएट कर सकता है, तो फंड मैनेजर पर डिपेंडेंस और रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा हो जाता है, और फंड मैनेजर अगर अच्छा कर रहा है तो काफी अच्छा अल्फा क्रिएट हो सकता है, तो रिस्क पर्सपेक्टिव से भी पीएमएस ज्यादा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बट उस हिसाब से रिटर्न भी अच्छे आ सकते हैं। बट इतने सारे हैं, 344 पीएमएसएस हैं और उसमें भी स्कीम्स होंगी, तो ऑब्वियसली कौन सा ले विल बी वेरी टफ। ऑब्वियसली इट इज इन म्यूचुअल फंड एज वेल, वहाँ पर भी बहुत डिफिकल्ट है, बट ये चीज़ बहुत समझनी जरूरी है, ठीक है। फी स्ट्रक्चर जो है पीएमएस का, एज आई सेड, मतलब मेरे को लगता है कि ज़्यादा मोस्टली पीएमएसएस चार्ज मोर देन म्यूचुअल फंड हाउसेज, म्यूचुअल फंड इज मोर इफेक्टिव, ठीक है। एंड टैक्सेशन तो हमें मतलब सिमिलर ही बोल सकता हूँ मैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यही है कि म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजर जो है वो बाय सेल कर रहा है, तो आपको टैक्सेशन नहीं देना है ना शॉर्ट टर्म। बट पीएमएस में आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर अगर शॉर्ट टर्म में बाय सेल कर रहा है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना है, वो समझ रहे हैं, वो डिफरेंस आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है मुझे कि मिनिमम 50 लाख रुपीज, राइट, एक साथ अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा एक टाइम कर रहे हैं ना एक तरह से मार्केट को। मैं आज अगर पीएमएस में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं 50 लाख रुपीज दे रहा हूं। हाँ, मेरी नेटवर्थ अगर 50 करोड़ 100 करोड़ रुपीज़ है तो बात अलग है, बट अगर मेरी नेटवर्थ 2-3 करोड़ रुपये 4 करोड़ रुपये है तो 50 लाख रुपीज़ इज सिग्निफिकेंट अमाउंट, राइट। तो मैं अगर उसको इन्वेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ तो मैं एक टाइम पे मार्केट में डाल रहा हूँ। ऑब्वियसली वो फंड मैनेजर पीएमएस का वो उस पैसे को बहुत जल्दी ही इन्वेस्ट कर देगा, तो आई एम जस्ट टाइमिंग द मार्केट विथ लार्ज सम ऑफ मनी। म्यूचुअल फंड में मुझे वो कंपल्शन नहीं है, तो मैं वो 50 लाख को 1 साल 1.5 साल 2 साल में स्टैगर कर सकता हूँ अपने हिसाब से, थोड़ा सा मार्केट की एवरेजिंग का बेनिफिट ले सकता हूँ, तो वो मुझे एक और बेनिफिट म्यूचुअल फंड का लगता है एज कम्पेयर टू बीएमएस। एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड आर आल्सो मोर वेल रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट, राइट, वहाँ पर सब आपको डिटेल्स आराम से मिल जाती हैं। पीएमएस में कैसा परफॉर्मेंस रहा ये ढूंढना पड़ता है, वहाँ पर इतने सारे हमारे फंडोमीटर में आप किसी भी फंड हाउस का इन्फॉर्मेशन आराम से दे सकते हैं, बट पीएमएस में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा कैसा रहा उसके डिस्क्लोजर्स में जाके, एज सच कोई वेबसाइट नहीं है, देर आर वेबसाइट ऑन पीएमएस बट अगेन यू हैव टू रजिस्टर एंड देर इज नो फ्री इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि वाई इट इज़ नॉट देयर, तो मोर ट्रांसपेरेंसी शुड बी अराउंड ऑन पीएमएस, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेज हैं विच मतलब जो मुझे लगता है कि आई शुड हैव टोल्ड यू। एडवर्टाइजमेंट जो है मतलब पीएमएस को भी, पीएमएस वालों को भी अलाउड नहीं है और म्यूचुअल फंड वालों को अलाउड है, बट मतलब जैसे हम म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के हिसाब से अलाउड है, बट पीएमएस को एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली दिस होल थिंग वर्क्स, पीएमएस एंड म्यूचुअल फंड्स। तो मेरा हमेशा मोस्टली सजेशन रहता है, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन लॉट कि आप किस फंड मैनेजर के थ्रू जा रहे हैं, आपको ये फंड मैनेजर अच्छा लगता है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इट्स वेरी स्पेसिफिक टू दैट। अगर आपको लगता है कि यार ये फंड मैनेजर बहुत अच्छा है, इसकी बात, इसका जो तरीका है, इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसका जो रिस्क प्रोफाइल है जो वो इट फिट्स मी, तो देन ऑब्वियसली इट डजंट मैटर कि आप म्यूचुअल फंड में हैं या पीएमएस में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अगर, और आप कुछ आपको बस इन्वेस्ट करने हैं 50 लाख रुपये एंड यू आर थिंकिंग यार एमएफ में करूँ या मेरे को कुछ ऐसा नहीं है, लार्ज कैप में कोई भी या स्मॉल कैप में मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे लिए कोई ऐसा मेरा ये नहीं है कि मैं आई एम फॉलोइंग दिस पर्सन और ये फंड या फंड हाउस या फंड मैनेजर मुझे बहुत पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आई विल जस्ट गो विद वट एवर इज राइट, तो देन ऑन इन सच केसेस म्यूचुअल फंड इज बेटर टू इन्वेस्ट फ्रॉम एक्सपेंस रेशियो परस्पेक्टिव, मिनिमम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, राइट, रेगुलेशन परस्पेक्टिव, रिस्क is also lesser because concentration is lower. So all those perspectives say mutual fund is better according to me. That is all. If you still have any question on PMS, let me know. I am trying to make a video on PMS versus AIF and mutual fund. Taki teen ho ka is tarah se comparison bhi ho jai. Thik hai? And to I will present that. Agar aapko chahiye wo video jaldi to comment mein bhi likho. Thik hai? 50 comment aate hai to I will definitely make it thoda speed badha dunga uske kaam pe. And like zarur kijiye agar video acha lage to. Have a great time ahead, dosto. जय हिंद।